मम्मी जी, मम्मी जी। अमृत बेटा, एक मिनट। क्या हुआ? वो जो सिद्ध बाबा के बारे में बताया था ना आपको, उन्हीं को मिलकर आ रहे हैं। क्या हुआ? कहा उन्होंने? कहा क्या, ये देखो, ये पोटली दी है, चावल है इसके अंदर। सम्राट भैया जब सो रहे हो ना, उनके तकिए के नीचे ही होना चाहिए। अच्छा। फिर जब बाबा को ये चावल दिखाएंगे, वो सब बता देंगे क्या प्रॉब्लम है चावल देखकर। इतने से चावल पे सब कुछ लिखा होता है का? ये सब लिखा होता है मम्मी जी, चावल पर तो इंसान का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ लिखा होता है। बस उस पे जो लिखा होता है, उसे देखने के लिए सिद्ध आंखें चाहिए जो बाबा के पास है। ए टू जेड सब बता देंगे। हे बाप रे बाप, ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं हमें। भूत पिशाच इनकी गुलामी करते हैं, पर ये बात है कि जरा महंगे हैं बाबा। बेटा, ऐसे लोगों को पैसा देना खर्चा नहीं है, तुम फिकर मत करो। हमें पैसों से नहीं, अपने बेटे से मोह है। रुको बेटा, हम तुम्हें और पैसे देते हैं। चलो बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब जितना पैसा चाहिए हमसे आके मांग लेना, ठीक है? बस हमारे सम्राट बेटा के साथ ना सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी ये पैसे बाबा को देकर मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। हाँ। फिर चलते हैं मिलने बाबा को। हाँ। सारी बातें कर लेना। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। बस ये पोटली रख देना तकिए के नीचे सम्राट भैया। हाँ, हम रख देंगे, हम रख देंगे। शशि। क्या हो रहा है भाई सास और दामाद के बीच? आपको हर बात बतानी जरूरी है का? हमारे दामाद जी अपनी सास के लाने पहली बार कुछ लेके आए, आपको बताना जरूरी नहीं है। हाँ बेटा, तुम जाओ काम कर ले, जा जा। चलते। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना शशि? देखो, कृपा करके कोई ऐसी खुराफात मत कर बैठना कि घर का माहौल और बर्बाद हो जाए। घर की शांति पहले से ही भ्रष्ट है। आप हमेशा हवाएं पीछे खाए पड़े रहते हैं। हाँ नहीं तो कहीं नहीं लेके जाते हमको। आज तक चौराहे तक भी नहीं लेके गए, कुछ सूट पैंट पहन के चले जाते हैं, और हम बस यहाँ आटा गूंथते रहते हैं। वो कहाँ कहते हैं उसे? शादी के बाद कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ कहते हैं? हाँ, हनीमून। वहाँ भी नहीं लेके गए हमें। मेरी किस्मत ही खराब है, कहीं नहीं लेके जाते। अरे चुप हो जाओ बहू। काय चुप हो जाए माँ जी, हमें भी हनीमून में लेके गए होते, दो चार फिल्में सर्कस दिखाए होते, तो हम भी ना कहते कि हमारे पति भी अच्छे हैं। रोने से क्या होएगा? मुंह बंद रखो, कब से अलापे जाए रही हो? हम ऐसे ही नहीं है ना, उसकी शादी तो गांव में ही हुई थी, फिर भी वो हनीमून के लिए नर्मदा जी के मेले में गए थे, और हम हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कहीं नहीं गए। आशा बहू चुप हो जाओ, हम बात करेंगे गौरव से। कोई फायदा नहीं है, सुना नहीं आपने? कैसे साफ मना कर दिया, नहीं लेके जाएंगे हमें पार्टी में। सरोज, हमको तो लगता है इसके बनाए पापड़ से ही आज पेट भरना पड़ेगा। ये आटे का क्या करेंगे? इसमें तो नमक गिराए जा रही है, गिराए जा रही है। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हम इस आटे की रोटियां बनाकर पहले ही जानवरों को दे देंगे। कितना खुश हो गए थे हम कि पार्टी में जाएंगे, पर हमारी ना किस्मत ही खराब है। अब बंद करो रोना, हम गौरव से बात करेंगे कि वो तुम्हें लेके जाए। हाँ बहू, हम भी बात करेंगे गौरव से। अरे बाबा, वो मान जाएगा। अच्छा, तो फिर पक्का से बात कर लीजिएगा आप। वो कहा है ना कि
हमारा बहुत मन है जाने का। और हाँ दादी, कह दीजिएगा उनसे कि हमसे अच्छे से बात किया करें, हर समय घोड़े की तरह हिनहिनाया ना करें। शौर्य शौर्य बहुत हो गया। शौर्य ए शौर्य शौर्य ऐसे पापा को लग जाएगी। इधर शौर्य इधर पूरा दादी पे गया। ऐ सुन मम्मा क्या कह रही है, चलो कपड़े पहनो। शौर्य सुनती नहीं आजकल हमारी बात। इधर शौर्य सोने का टाइम हुआ है ना, और पता है हम मंदिरा को कहानी सुनाने वाले हैं, तो कहानी कौन सुनेगा? मैं। और कपड़े कौन पहनेगा? मैं। चलो जल्दी से अपने कपड़े पहनो, इतनी बदमाशी करते हो ना आजकल शौर्य। अरे शौर्य संभल क्या। उर्मी वैसे भी शौर्य यहाँ रहेगा ना, तो तुम्हें और देवर देवर जी को परेशानी होगी, इसलिए हम शौर्य को वहीं सुला देंगे। हाँ तुम लोग आराम कर लेना, ठीक है? ठीक है बाबू। शौर्य उससे जैसा व्यवहार चाहते हो उसके साथ वैसा ही करो, प्यार के बदले प्यार, नफरत के बदले नफरत। ये तुमको तय करना है कि तुमको क्या चाहिए। उर्मी तुमसे बहुत नाराज है, और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए इस बार पहल तुमको करनी पड़ेगी। इसलिए सोचो और आगे बढ़ो। खाना खाया आपने? खाना खाया आपने? खाना खाया आपने? नहीं। तो खा लीजिए खाना, इतनी देर हो गई है, टाइम से खा लेना चाहिए। बस खाऊंगी। सम्राट बेटा कैसे हो? क्यों ठीक नहीं लग रहा हूँ? नहीं नहीं एकदम ठीक लग रहे हो। काहे कि हम सोने जा रहे थे ना, तो हमने सोचा कि एक बार आके तुमसे मिल लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, तो फिर सुकून से सोएंगे। काहे कि नहीं तो हमें बहुत चिंता लगी रहती है ना तुम्हारी। क्यों सवेरे की पहली गाड़ी पकड़ के मायके जा रही है? ऐसा काहे कह रहे हो तुम? नहीं मिलने ऐसे आई है, लग तो ऐसे रहा। मजाक बात करते हो। उर्मी भाऊ जब तकिया वकिए जरा सीधे रखा करो, काहे कि सम्राट की गर्दन में मोच मोच आ गई ना तो तकलीफ हो जाए। अरे शाबाश, ए देखो बोल कौन रहा है, हैं? उर्मी को सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, वो अच्छे से करती है जो भी करती है, ठीक है? आपकी तरह नहीं, छोड़ के भागी मरीज को बीच में। अब आ रही है ज्ञान का चम्मच चलाने। ऐसे क्या कह रहे हो, ऐसे ना कहो तुम हमें। क्यों ना कहूं भाई, जो सच है वो सच है, और क्या। अच्छा चलो अब जो हुआ सो हुआ, ए भूल जाओ है? अब तुम दोनों भी आराम कर लो, हम भी सोने जाते हैं। चल Thank you.
चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। शौर्य बेटा, पहले हम पापा को नाश्ता करा दे, फिर आपको खिलाएंगे। और आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा, नो चीटिंग। मामा, आप पापा को क्यों खिला रही हो? आपसे मुझे खिलाती हो ना? अबे, शौर्य, पापा को चोट लगी है ना, तो पापा खुद से नहीं खा सकते, इसलिए हम उन्हें खिला रहे। सुना? तो क्या हुआ? उनकी मम्मा को भेजो, वो खिलाएंगी। बेटा ऐसा नहीं कहते। अच्छा ठीक है, मैं पापा को खिलाता हूँ, आप मुझे खिलाओ। आप मुझे कैसे खिलाओगे भाई? मैं खिला लूंगा, लेकिन मम्मा बस मुझे खिलाएंगी, जिससे मेरी मम्मा है। आपकी मम्मा तो वो खड़ूस दादी है, उनको कुछ भी नहीं आता। ओए बच्चू, आपकी मम्मा पहले मेरी बीवी है, समझे? तो क्या हुआ, ये मुझे प्यार करती है? बताओ मामा, आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो ना? पापा से भी ज्यादा ना? इधर आई, पहले आपको नाश्ता करा देते। नहीं, पहले आप बताओ। बताओ ना मामा। बताइए भाई, बच्चे की जिज्ञासा है, शांत कीजिए। मम्मा सबसे ज्यादा आप ही से प्यार करती है। अब ठीक है, चलो अब जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। ये मम्मा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, आपसे नहीं। अब एक कुआ आपको खिलाएंगी मम्मी और दूसरा कुआ पापा को। प्लीज बेटा, नहीं तो पापा भूखे रह जाएंगे ना। ठीक है, प्यार को मेरा होगा। डन, ये लो।
कितना प्यारा परिवार है सम्राट तुम्हारा, लेकिन क्या कहें, सब अपनी अपनी बुद्धि और समझ का फेर है। काश तुम इस सुख को महसूस कर पाते, संभाल पाते अपनी फैमिली को, लेकिन अब लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा भागे, हमें कुछ करना पड़ेगा। इट्स ग्रेट, मुझे यहां आए हुए 3 दिन हुए और क्लाइंट मेरे घर तक आ गए। आई एम फीलिंग रियली लकी। लक की बात है सर। दरअसल हुआ ये कि आपके पड़ोस में मेरा एक बहुत अच्छे मित्र रहते हैं। उन्हें पता चला कि मुझे एक होनहार वकील की तलाश है, तो उन्होंने आपके बारे में बताया और मैं आ गया। अच्छा, आप ये बताइए कि करना क्या है। कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है सर, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, होटल घर वगैरह। प्रॉपर्टी के ओनर है सम्राट सिंह राठौड़, इसका एक ट्रांसफर डीड बनाना है। ये ट्रांसफर होगी अमृत सिंह चौहान के नाम पर। तो ये सब चीजें सम्राट सिंह के नाम है जी। आप सम्राट सिंह हैं? नहीं। अमृत? नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूं, दीपक महाजन। भाई ये पेपर्स तो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े लोग हैं, उनका कोई इनहाउस एडवोकेट भी होगा? गुड क्वेश्चन है ना, पर वो किसी पर्सनल रीजंस की वजह से लंबी छुट्टी पर गए। ओह, तो मुझे बताइए ये कब तक हो जाएंगे पेपर्स? भाई आप चाहेंगे तो कल हो जाएंगे। कल? जी। और खर्च कितना आएगा? भाई कुल मिलाकर 5,000। 5,000, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत एडवांस आपको दे देता हूँ, ये आपका एडवांस। ओके, थैंक यू। हे सम्राट। अरे ताऊ जी, आइए आइए। हे, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम बेटर देन यू। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। क्या बात है, आज तुम आशा के विपरीत फ्रेश और अच्छे लग रहे हो। सच में ताऊ जी? चलिए फिर मान लेते हैं। नहीं नहीं सही में ताऊ जी, आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ। शुक्र है भगवान का, नहीं तो हमको यही चिंता लगी हुई थी कि। क्या ताऊ जी, क्या चिंता हो रही थी आपको? क्या बताएं यार, वैसे रात में उर्वी ने तुम्हारी ठीक से देख रेख तो नहीं की होगी? नहीं 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 ताऊ जी, देख रेख बढ़िया से की उसने, अच्छे से की, अच्छे तरीके से की। अच्छा, सच कह रहा हूं ना, मतलब अच्छे से किया ना उसने सब? हाँ ताऊ जी, और क्यों नहीं करेगी, बीवी है मेरी। बीवी तो है, लेकिन अब क्या कहें तुमसे, चलो जाने दो, जाने दो। ताऊ जी, क्या 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 कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं बताइए ना। छोड़ो यार, अब तुमको बुरा लगेगा, बात तो दबी है तो दबी रहने दो। ताऊ जी बताइए क्या बात है,
या क्या छिपा रहे हैं मुझसे, बात बताइए मुझे आप। देखो सम्राट, बीवी तुम मानते हो ना उसे, लेकिन उसके लिए रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। ऐसा करके ना, तुम्हारी सेवा एवा ये सब करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही है, उपकार कर रही है। मतलब तो जी? और बेटा तुमसे उसको कोई अभी प्यार या लगाव नहीं रह गया है, और जो कुछ भी वो कर रही है वो सिर्फ फर्ज अदायगी के नाम पे कर रही है। अरे साफ साफ कह दिया है उसने हमसे, तो तुमको छोड़ के जा रही थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अब वो तरस खा के रुक गई। बाकी वो मन से प्यार नहीं करती, मन से प्यार नहीं करती।